क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको दंगा ना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। तो साथियों, ये थे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो पटना के अंदर आयोजित अपनी एक कथा के अंदर ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, बस इसको इसकी घोषणा करनी बाकी रह गई है। तो सुन लो मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ये देश तुम्हारे पिताजी की पपोती नहीं है, ये देश किसी भाजपा के नेता की पपोती नहीं है जो तुम्हारे सामने आरती लेके थाली बजा रहे हैं। तुम जैसे पाखंडी बाबाओं की मियाद 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, हद से 100 साल होगी, लेकिन भारत के संविधान से बने लोकतंत्र की मियाद इतनी गहरी है कि तुम्हारे जैसे ना जाने कितने पोंगा पंडित इस देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हुए आए, उन्होंने इतनी भीड़ जुटाई और आए और चले गए। क्या हश्र इस देश के बाबाओं का है कि वो जेल के अंदर पड़े हैं? तुम जैसे लोग इस देश की भोली भाली जनता को, जो सरकार के सताए हुए लोग हैं, जब सरकार समय पर उन्हें इलाज मुहैया नहीं करा पाती, उन्हें कार मोया नहीं करा पाती, वो अपनी जन सुख सुविधाओं से वंचित हैं, उसके बाद वो एक आस लेकर तुम्हारे जैसे दरबारों में मट्ठा टेकते हैं और ये सरकार उन्हें मजबूर करती है। जब सरकार के मंत्री, जिन्हें जनता वोट देकर एमपी बनाती है, एमएलए बनाती है, अपने गांव का विकास करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, अपने शहर का विकास करने के लिए, अपने प्रदेश का विकास करने के लिए और अपने देश का विकास करने के लिए, लेकिन वही नेता आज इस 26 साल के पाखंडी लौंडे के सामने, जो अपना बिजनेस और धंधा चला रहा है उसके सामने नतमस्तक है, क्या ये लोग देश को विज्ञान की ओर लेके जाएंगे? क्या ये लोग देश को विश्व गुरु बनाएंगे? ये देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक देश है। भारत को कभी भी किसी एक धर्म के नाम से नहीं जाना जाएगा। मैं यहां पर एक गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। हो मुद्दत से मिली ये आजादी, अब गुलामी की बेड़ी न चाहिए। हम बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू राष्ट्र वो है जिसमें नारंगी संतरे और भगवाधारी वो लोग जो किसी एक धर्म को टारगेट करेंगे, किसी एक जाति को टारगेट करेंगे। हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति का राज वो है जिसमें किसी एक वर्ग को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं होगा, जिसमें किसी एक वर्ग को सुबह शाम घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं होगा। ये पोंगा पंडित अपनी पंडिताई चलाकर उनको अपना गुलाम बना के रखेंगे, वो है हिंदू राष्ट्र। और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो लोग भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो भारत के संविधान के खिलाफ बात करते हैं। ये देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश को कभी भी लोकतंत्र से आजाद नहीं होने दिया जाएगा, ये देश लोकतंत्र के कब्जे में रहेगा। मैं जब ये नज्म और ये गीत पढ़ रहा हूं, मुद्दत से मिली ये आजादी, अब गुलामी की बेड़ी न चाहिए, जिसमें पढ़ने का अधिकार नहीं वो मनु का विधान न चाहिए। ये भारत की एकता खंडता को हम खराब नहीं होने देंगे, ये भारत की एकता खंडता को हम खराब नहीं होने देंगे, इस देश को पाखंडी बाबा ओ का गुलाम नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको दंगा ना चाहिए, मुद्दत से मिली ये आजादी, अब गुलामी की बेड़ी न चाहिए। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन इस देश को कभी भी किसी एक जाति और किसी एक धर्म का देश नहीं बनने देंगे। इस भारत की खूबसूरती है, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सभी लोग एक भाईचारे के साथ रहे, सभी लोग एक एकता के साथ रहे। लग रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री की कथा चल रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के एजेंडे पर पटना के अंदर कथा जो है वो चलाई गई, क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार तो है नहीं और अभी कर्नाटक तो ये हार गए और पटना में नीतीश और तेजस्वी के जो गठजोड़ है उस गठजोड़ से और जो वंचित तबका पिछड़ा दलित तबका जाग रहा है इससे इनकी नींव हाली पड़ी है। इसलिए पंडित
धीरेन्द्र शास्त्री को एक कार्ड बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे के आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए और भाजपा के मंत्री जब वहां शामिल होंगे तो समझ लिए वो भाजपा का ही कथन चल रहा है। और ऐसे पाखंडी बाबा जिनको भाजपा का शह सरकार का शह है और उनके शहर में रहकर यह इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। आप देखिए ना कि एक 26 साल का लौंडा और उसके सामने भाजपा के मंत्री सांसद इतने बड़े बड़े नेता नतमस्तक हैं, क्या वजह है आखिर? क्या ये देश इस तरह फल फूल पाएगा? ये गंदी राजनीति, ये सियासत, यार क्यों आप लोग इस देश के भाईचारे को खराब करना चाहते हो? यह आतंकवाद अब ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया जाएगा। भारत की जनता समझ रही है ऐसे पोंगा पंडितों की, ऐसे पाखंडियों की तो वो भकिया उधेड़ होगी। जब इस देश की जनता जागेगी तो ये पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री भी जेल की सलाखों के पीछे होगा, जिसने जिसके भाई ने दलितों का अपमान किया, जिसके भाई ने बरी बारात में तमंचे लहराए और दलितों को गालियां बकी। ऐसे लोग कभी भी समाज सुधारक नहीं होते, ऐसे लोग कभी भी कथावाचक नहीं बन सकते। और न जाने ऐसे कितने कथावाचक आए और चले जाएंगे, लेकिन भारत की खूबसूरती है कि भारत सेक्युलर है और वो हमेशा सेक्युलर रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।